मेरा नाम फातिमा राजकोटवाला है और मैंने नूरुल अमीन शेख के अगेंस्ट आवाज उठाई है। वो इस्लाम जिमखाना के जनरल सेक्रेटरी होके मुझे बहुत एक दो महीने से परेशान किए जा रहे हैं। मुझे दराने की कोशिश की है, मुझे इंडीसेंट प्रपोजल्स भेजे हैं और जब मैंने उनको मना किया तो फ्राइडे को 21 अक्टूबर को वो जकूजी में फुल जोश में आके अंदर घुस गए और वो धक्का मार के बाथरूम के दरवाजे में जहां मैं चेंज कर रही थी वहां अंदर घुस गए और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है, मेरे साथ डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज की है, बहुत बहुत गंदी भाषा में मेरे साथ बात करी है। मेरे पापा को भी उन्होंने धमकी दी है, मारने तक की धमकी दी है। और जब मेरे पिताजी जाके मिस्टर यूसुफ साहब प्रेसिडेंट को ये किस्सा बताए उसी दिन उसी शाम को मेरे हैंड रिटन लेटर के साथ जहां मैं बोल रही हूं कि हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां फैमिली मेंबर्स इस्लाम जिमखाना के दूसरे फैमिलीज सारे औरतें आके सोशलाइज कर सके, इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके, हेल्दी ऑप्शंस चूज कर सके अपने लिए। इंस्टेड वो मेरे पापा को बताते हैं कि सीएम के साथ उनका उठना बैठना है और एसबीयूटी बोरीज का उन्होंने पास करवाया है और ऐसे करके अपना पावर दिखाते हैं। तो मैं औरतों को ये बोलना चाहूंगी और दूसरे इस्लाम जिमखाना के मेंबर्स को बोलना चाहूंगी कि अगर आपके साथ नूरुल अमीन या किसी ने भी बदतमीजी की है तो प्लीज डरिए मत, आगे आइए। ऐसे बोलने से हमारी इज्जत खराब नहीं होती है, पर इंस्टेड ऐसे लोग जो अगर हम चुप रहते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है और फिर वो किसी और के साथ भी ऐसे ही रवैये से बिहेव करते हैं। तो प्लीज घबराइए मत, आगे आइए, हम साथ में ऐसे कैरेक्टर्स को निकाल सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारे जिमखाना या हमारी जगह सेफ रहे। और एक दूसरा भी लड़का था कुछ रयान राजी करके जो जिसको फ्री में मेंबरशिप दी गई है क्योंकि वो बिलियर्ड्स का कोई प्लेयर है। और क्या इसका मतलब ये होता है कि वो इनका चमचा बन के रहे? क्योंकि उनके ही उत्साहने पे वो भी आके उसने भी मुझसे गाली गलौज करी है और उसने मुझे भी धक्का मारा है। और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स, अब 21 साल का बच्चा अगर ऐसे माहौल में पला बढ़ेगा तो क्या हम ऐसी सोसाइटी चाहते हैं हमारे हमारे देश के लिए जहां औरत देवी का रूप होती है? तो प्लीज मैं सबको विनती करती हूं कि ऐसे मामलों में चुप ना रहिए और हम औरतें ही औरतों का साथ देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें दबाने की कोशिश में हैं। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।